जय हिंद। देखिए आज की इस वीडियो में हम समझाएंगे दोस्तों डिग्री पार्ट टू का एग्जामिनेशन 2022 का जो हुआ 26 दिसंबर 2022 को फिजिक्स सब्सिडरी का जिसका एग्जाम हुआ था उसका सही सही आंसर बताने वाला हूँ। 1 से लेके 75 तक क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट आंसर बताएंगे दोस्तों। इसमें जो है एक भी आंसर दोस्तों गलत नहीं है, परफेक्ट आंसर है। वो आप वीडियो देखिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। 75 क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में हम बताएंगे। और हम आपको दोस्तों इस पे एक वीडियो बना दिए थे कि जो 26 दिसंबर 2022 का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों वह एग्जाम कैंसिल हो गया है और एग्जाम जो है आपको 9 जनवरी 2023 को एग्जाम होगा ये फिजिक्स सब्सिडरी का। तो उसमें दोस्तों क्वेश्चन कहाँ से रहेगा तो ये सारा चीज जो है लगभग इससे भी 40% क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएगा 2022 के क्वेश्चन से। और 10 से लेके 20% के अप्रोक्स में दोस्तों आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2021 का, जो इस चैनल पे दोस्तों आपको 2021 का फिजिक्स सब्सिडरी का जो है क्वेश्चन हम अपलोड कर दिए हैं, उसका भी आंसर बता दिया है। उससे भी समझिए 20% के अप्रोक्स में आंसर मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, और 40% इसी से रहेगा। 60% क्वेश्चन आपको जो है दोस्तों दोनों क्वेश्चन पढ़ने से, आपको जो है वीडियो देखने से आपको 60% मार्क जो है आपको आ जाएगा। अब बात रहा 40% का, तो इसमें से आपको बहुत सारा बन जाएगा 40% में से, और कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है आप खुद भी बनाइएगा जो पढ़े होंगे तब। तो आप जो यहाँ पे डिग्री पार्ट टू का जो है क्वेश्चन एग्जामिनेशन 2022 का फिजिक्स सब्सिडरी का जो है आप एग्जाम दीजिएगा 9 जनवरी 2023 को, तो उसमें आपको बहुत ही काम का ये वीडियो होगा दोस्तों। ये भी एक स्टूडेंट है जो LNJ कॉलेज झंझारपुर से है और उसका एग्जाम जो हो रहा है दोस्तों लुटन झा कॉलेज ननौर में हो रहा है, और उस स्टूडेंट का नाम है रंजित, यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है यहाँ पे दोस्तों। तो यही एग्जाम के बारे में हम अब क्वेश्चन पे चलते हैं, सारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर, और हम आपको डिटेल्स में भी बताएंगे बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर, आपको अच्छे से देख लीजिए सारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर रहेगा। और हम अच्छे से सॉल्यूशन भी कर दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे सघन से विरल माध्यम में परावर्तन होने पर पथांतर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको सबसे पहले समझा देते हैं, यहाँ पे फेज डिफरेंस बराबर फार्मूला होता है दोस्तों 2π/λ गुणे पाथ डिफरेंस होता है। पाथ डिफरेंस जो होता है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज समझ लीजिए, फेज डिफरेंस का जो है अगर शॉर्टकट में बात करेंगे तो इसको जो है पाई होता है फार्मूला में, आप इसको ढूंढ भी सकते हैं। जब आप गूगल कीजिएगा इस क्वेश्चन को तो आपको यहाँ पे पाई केवल आएगा ऑप्शन में, तो पाई होता है फेज डिफरेंस बराबर। अब यहाँ पे फेज डिफरेंस का मान पाई भर दिए, बराबर है तो बराबर भर दिए 2π/λ पाथ डिफरेंस यहाँ पे हो गया। अब पाई से पाई कट जाएगा तो लेमडा इस साइड आ जाएगा, बट्टा में 2 आ जाएगा, पाथ डिफरेंस बराबर हो जाएगा लेमडा बट्टा 2। अगर एक का परफेक्ट आंसर का बात करेंगे तो दोस्तों ए हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। अब कोई कोई बच्चा जो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन लगाया था तो डी नहीं होगा इसका राइट आंसर, इसका आंसर होगा तो लेमडा बटर 2 होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों ये वीडियो हम आपको बता देते हैं लंबा होगा, लेकिन जो है आपको सारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मिलेगा और श्योर आंसर मिलेगा, इसमें थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा। तो आप अच्छे से पूरा वीडियो देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि विवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आंसर का बात करेंगे तो बी नंबर हो जाएगा, एक संकीर्ण दरार होगा। अब समझते हैं इसको किस तरह। दोस्तों जब विवर्तन के बारे में चर्चा करते थे, ये अवरोधक एक मान लीजिए दीवार के रूप में समझिए हम, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए ये टॉर्च है, इससे रोशनी निकलता है, अगर रोकना चाहेगा तो ये दीवार या पर्दा रहेगा रोक देगा, कौन दीवार, अवरोध वाले। लेकिन अगर छिद्र रहेगा, मतलब छेद रहेगा या छिद्र रहेगा, तो वहां से क्या होगा, प्रकाश निकल जाएगा। तो जब निकल जाता है छिद्र से होके तो उसी को दरार भी बोला जाता है, संकीर्ण मतलब छोटा सा। तो छोटा सा भी अगर रोशनी निकलने के लिए छिद्र रहेगा तो निकल जाएगा, अगर अवरोध का चर्चा रहता है तो विवर्तन में। इसका अगर बात करते हैं तो परफेक्ट आंसर 2 का बी नंबर हो जाएगा, एक संकीर्ण दरार,
इसमें कोई भी डॉट नहीं है, दो का राइट आंसर बी होगा। तीन नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे प्रकाश तरंगों की तुलना में ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा वेरी लार्ज, मतलब बहुत बड़ी हो जाएगा, परफेक्ट आंसर तीन नंबर का। अगर एंगस्ट्रम में बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, तो प्रकाश तरंग का बात करेंगे तो 39 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक होता है, लेकिन वही ध्वनि तरंग के बारे में अगर हर्ज में बात करेंगे तो 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि c बराबर होता है म्यू इंटू लेमडा, तो यहाँ म्यू बराबर हो जाएगा c बटा लेमडा। तो हमेशा देख सकते हैं, अगर c का मान ज्ञात करेंगे, ये प्रकाश के लिए होता है, तो यहाँ पे c का मान ज्ञात करेंगे तो लेमडा से भाग देना पड़ेगा, तो ये कम हमेशा हो जाएगा किस से, म्यू से, मतलब ध्वनि तरंग से, तो ध्वनि तरंग से क्या होगा, बहुत छोट हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है प्रकाश तरंग की तुलना में ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तो ध्वनि तरंग के क्या हो जाएगा, ज्यादा होता है, तो वेरी लार्ज ऑप्शन ए हो जाएगा तीन का। अब चार नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक प्रकाशिकी से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज पहले समझ लेते हैं, भौतिकी ज्यामिति में जो जो चीज आता है, फिजिक्स ज्योमेट्री में जो जो आता है, फिजिकल ज्योमेट्री में, वो होता है परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, ये सब आता है। वही बात करेंगे भौतिकी प्रकाशिकी में, तो इसमें व्यतिकरण आता है, विवर्तन आता है, ये सब आता है, तो इस यहाँ पे देख सकते हैं परावर्तन अपवर्तन है, तो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये फिजिकल ज्योमेट्री का होता है, तो यहाँ पे हमको फिजिकल ज्योमेट्री नहीं पूछता है, फिजिकल ऑप्टिक्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर चार का जो है सी नंबर होगा, व्यतिकरण। अब चलते हैं पांच नंबर क्वेश्चन पे, पांच नंबर क्वेश्चन का यदि बात करते हैं तो पाई बटा टू कालांतर के लिए पथांतर क्या होगा, तो इसका परफेक्ट आंसर लेमडा बाय फोर ही होगा पांच का। छह नंबर का क्वेश्चन का बात करेंगे कि फ्राउन हॉफर के विवर्तन में प्रकाश का स्रोत और पर्दा प्रभावी होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अनंत दूरी पर, इन्फिनाइट डिस्टेंस रहता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। सात नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे तो फ्राउन हॉफर के विवर्तन में आपतित तरंगदैर्ध्य होते हैं, तो यहाँ समतल हो जाएगा, परफेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, प्लेन होता है। आठ नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या अनुदैर्ध्य तरंगों में व्यतिकरण हो सकता है, तो ये होता है, इसलिए परफेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब नौ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, नौ नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, संचारित प्रणाली के लिए पतली फिल्मों में व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 2μt cos θ होता है, यहाँ लेमडा दे दिया है, अति गामा दे दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नौ का बी नंबर हो जाएगा। दस नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे खंड पट्टिका की फोकस दूरी होती है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश में अगर देखेंगे द फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट इज गिवेन बाय, समझते हैं सबसे पहले जोन प्लेट, जोन प्लेट से जो है अगर बीएससी पार्ट टू का बात करेंगे जोन प्लेट में, तो इसमें आपको लगभग लगभग 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन पूछता है फिजिक्स में जोन प्लेट से, तो थोड़ा हम जोन प्लेट के समझ लेते हैं, जोन प्लेट समझ जाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा जोन प्लेट से रिलेटेड जो जो रहेगा। दोस्तों जोन प्लेट के बारे में बात करेंगे किस तरह से होता है, तो कुछ इस तरह से होता है, एक जो है ब्लैक रहेगा, फिर एक जो है व्हाइट रहेगा, फिर ब्लैक रहेगा, फिर व्हाइट रहेगा, इस तरह से रहता है। जब फार्मूला प्रूव्ड करना रहता है जोन प्लेट में, तो आपको कुछ इस तरह से खींच के एक ठो वस्तु रहता है, यहाँ प्रतिबिंब हो जाता है, फिर वस्तु, फिर प्रतिबिंब, कुछ इस तरह से फार्मूला प्रूव्ड करने के लिए फिगर होता है, आ ये हो गया जोन प्लेट का फिगर होता है। तो इसमें जो बात करेंगे, तो सबसे पहले जब फार्मूला प्रूव करेंगे तो आपको एक चीज आएगा, बहुत सारा लंबा फार्मूला प्रूव करना होता है, तो हम तो उतना नहीं बताएंगे, आपको शॉर्टकट में बता देते हैं, जब लास्ट में जाएंगे तो RN² बराबर आ जाएगा UV/U+V (lambda), इसी को अगर RN² रहने देंगे, अगर ये टोटल का मान का बात करेंगे ना, तो ये n के बराबर होते हैं, नेचुरल नंबर के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे n ले लेते हैं, तो RN यहाँ पे देख सकते हैं, अगर स्क्वायर है उस साइड भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, तो RN समानुपाती हो जाएगा रूट n के, मतलब नेचुरल नंबर के। अगर इसको हिंदी में बात करेंगे तो ये हो जाएगा कि विषम पूर्णांक वर्ग के क्या हो गया, समानुपाती हो जाता है, तो ये चीज हो जाता है। हमको जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये तो प्रूव्ड हो गया, ये फॉर्मूला होता है, हमको जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि UV/U+V का मान, मतलब खंड पट्टिका का फोकस दूरी क्या होता है, तो इसको
जो हम सब सूचित करते हैं वो ऐप से सूचित करते हैं। ऐप से जो सूचित करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं फॉर्मूला में हो गया आर एन स्क्वायर बराबर यू वी बटा यू प्लस वी एन लेमडा। यहाँ पे इसका मान हो जाता है एफ एफ, और यहाँ पे एन लेमडा स्क्वायर में है तो आर एन स्क्वायर है, यहाँ पे इंटू में है एन लेमडा, इससे रहेगा तो भाग में हो जाएगा तो आर एन स्क्वायर बराबर बट्टा हो जाएगा एन लेमडा। ये यू वी बटा यू प्लस वी का मतलब एफ का मतलब अगर समझिएगा तो खंड पट्टिका बराबर हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला आर एन स्क्वायर बट्टा एन लेमडा परफेक्ट आंसर का बात करेंगे तो बी नंबर हो जाएगा। तो यही हो गया आपको जॉन प्लेट का सारा चीज समझिए, यहाँ पे शॉर्टकट में बता दिए हैं, तो ये हो जाएगा 10 नंबर का। अब 11 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे तो फ्रेनेल का विवर्तन क्या है ये पूछ रहा है, तो ये आपको दोस्तों परफेक्ट आंसर हो जाएगा ये नंबर। नजदीक क्षेत्र की घटना के लिए जो है यहाँ पे फ्रेनेल का विवर्तन होता है उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 11 का ये हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हर डिंजर फिरिंजो में फिरिंजे होते हैं, तो यहाँ पे समान झुकाव में हो जाएगा, ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों कि न्यूटन के 90 दीप्त वलय का व्यास समानुपाती होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूट एंडर 2n-1 होगा, इसका परफेक्ट आंसर। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि अवरोध के किनारे से प्रकाश के मुड़ने को कहा जाता है, तो ये विवर्तन होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अब ये हम पढ़े हैं कि अवरोध जो है रोक देगा तो क्या हो जाएगा, प्रकाश जो है रिटर्न हो जाता है। जैसे यहाँ पे बता रहे थे विवर्तन में अवरोध प्लेट है, ये प्लेट पे जैसे ही पड़ता है तो ये क्या हो जाता है रिटर्न कर देता है, तो ये विवर्तन के लिए होता है, तो ऑप्शन जो है उस क्वेश्चन का हो जाएगा विवर्तन। तो चलते हैं आगे, यहाँ पे 14 का क्या हो गया विवर्तन परफेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन के वलय प्रयोग में वलय के क्रम में फ्रिंज की चौड़ाई होती है, तो यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर का बात करेंगे 15 का, तो सी नंबर हो जाएगा नियत रहता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि विभेदन की सीमा डी थीटा है, तो डी इसका आंसर के बात करेंगे तो सी नंबर हो जाएगा परफेक्ट आंसर, लेमडा बटे डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे यहाँ पे, तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि दूरबीन की विभेदन क्षमता है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल डी बटा 1.22 लेमडा हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं, तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि समतल पारगमन ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता है, तो इस पे हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं विभेदन क्षमता का चर्चा चलेगा तो स्मॉल एन कैपिटल एन होता है, अगर ग्रेटिंग तत्व के बारे में चर्चा चले मतलब ई प्लस डी फॉर्मूला में पूछता है तो हो जाएगा वहां पे तत्व के बारे में ए प्लस डी हो जाएगा इसका फॉर्मूला। यदि विभेदन क्षमता में एक चीज और पूछता है तो यही में अगर फार्मूला पूछा तो एन कैपिटल एन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ग्रेटिंग पर रेखाओं की कुल संख्या हो जाएगा हिंदी में पूछेगा तो परफेक्ट आंसर मतलब अगर समझेंगे इसका तो 18 का बी नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे समझते अगर विभेदन क्षमता पूछेगा निर्भर किस पे है, तो ये जो निर्भर होता है दोस्तों ये होता है स्पेक्ट्रा के क्रम पर जो है क्या होता है ये निर्भर हो जाता है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। इससे भी क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है समतल पारगमन ग्रेटिंग के विभेदन से, मतलब समतल पारगमन ग्रेटिंग से क्वेश्चन रहता है, इसको भी आप समझ लीजिए, तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि समतल पारगमन ग्रेटिंग का ग्रेटिंग तत्व है, तो तत्व क्या हो जाएगा, तत्व में अब ये पढ़े हैं कि क्या हो जाएगा ई प्लस डी बराबर ए प्लस बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे कि रैले के अनुसार बिखरी हुई प्रकाश की तीव्रता समानुपाती होता है, तो 1/λ⁴ हो जाएगा, 20 का परफेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि समतल पारगमन ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता निर्भर करती है, तो निर्भर किस पे करेंगे, स्पेक्ट्रा के क्रम पे, अब ये पढ़े ये आंसर गलत है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में ये भी दिया है कि ग्रेटिंग पर रेखाओं की कुल संख्या पर, तो दोस्तों उसके लिए देख सकते हैं वो इसके लिए विभेदन क्षमता के लिए है,
इसी को हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन विभेदन क्षमता निर्भर पूछेगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा स्पेक्ट्रा के क्रम पर, इसलिए इसका राइट आंसर बात करेंगे किसका तो डी नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे कि प्रकाश के दो शर्तों का कला संबंध होते हैं, यदि वे किरणें छोड़ते हैं तो यह समान तरंग दैर्ध्य और नियत कलांतर छोड़ता है, ऑप्शन नंबर 22 का सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मोटे लेंस के मुख्य बिंदुओं की संख्या होती है तो एफ, देखिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 6 होता है। बहुत सारा स्टूडेंट बोल रहा था मुख्य बिंदु यहाँ पे 2 होगा, ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, मतलब 6 होगा ऑप्शन में। तो इसका 24 नंबर क्वेश्चन है कि फर्मा का सिद्धांत लागू होता है तो इसका राइट आंसर का बात करेंगे अपवर्तन होगा, ये केवल फर्मा सिद्धांत अपवर्तन के लिए लागू होता है। कुछ स्टूडेंट बता रहा था कि यहाँ पे ए भी होगा परावर्तन, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों, लेकिन नहीं होगा, ये केवल अपवर्तन पे निर्भर होता है, मतलब लागू करता है। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे, 25 नंबर का क्वेश्चन का बात करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है दो समान आयाम के तरंगों द्वारा व्यतिकरण होने पर संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के तीव्रताओं का अनुपात होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं संपोषी व्यतिकरण के बात करेंगे ये ऊपर से जाएगा और विनाशी व्यतिकरण नीचे जाएगा, इसका अगर अनुपात का बात करेंगे 25 का तो राइट आंसर 0 हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन का वलय फ्रिंज है तो यहाँ पे समान झुकाव हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे तो एक जोन प्लेट में होती है तो एक जोन प्लेट में क्रमबद्ध जोन की त्रिज्या विषम पूर्णांकों के वर्ग के समानुपाती होता है, वहां पे फॉर्मूला जब प्रूव करके बता रहे थे थोड़ा तो वहां पे आया हुआ था आर एन समानुपाती क्या हो जाएगा रूट अंडर एन, मतलब नेचुरल नंबर, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। 28 नंबर का क्वेश्चन में बात करेंगे तो एक जोन प्लेट दिखता है तो जोन प्लेट गोलाकार रहता है, वहां पे हम दिखाए थे इस तरह से गोलाकार रहता है और रंगीन दोनों विपतन को दिखाता है, तो रंगीन भी रहता है काला और व्हाइट रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 28 का। अब 29 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पे सोल्व जब करेंगे तो ऑप्शन डी आएगा इसका, ऑप्शन सी नहीं आता है, मतलब डी आएगा इसका परफेक्ट आंसर। अगर 30 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे यहाँ पे तो ए और बी आयाम के दो तरंगों विनाशी व्यतिकरण करते हैं तो परिणामी आयाम क्या होगा तो ए माइनस बी होगा इस यहाँ पे। 31 नंबर क्वेश्चन है सघन माध्यम से परावर्तन के बाद प्रकाश के कला में परिवर्तन होता है तो पाई हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किसी खंड पटिका के लिए लाल रंग की फोकस दूरी जो है एफ आर और बैंगनी रंग की फोकस दूरी एफ बी हो तो क्या होगा तो यहाँ पे एफ आर ग्रेटर देन एफ बी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 32 का। 33 नंबर क्वेश्चन है कि एक अस्लिस्ट फ्राउनहोफर विवर्तन में जब अस्लिट की चौड़ाई बढ़ाई जाती है तब मुख उचिष्ट की चौड़ाई क्या होते है तो बढ़ती है यहाँ ऑप्शन घटती है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन है कि जब श्वेत प्रकाश समतल विवर्तन ग्रेटिंग पर आपतित होती है तो शून्य क्रम का उचिष्ट होगा सफेद होगा, 34 का राइट आंसर। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे, 35 का बोल रहा है यदि निर्वात में प्रकाश का वेग सी हो तो निरपेक्ष विद्युतशीलता और निरपेक्ष चुंबकशीलता का गुणनफल होगा तो यहाँ पे इसका जो है परफेक्ट आंसर बात करेंगे तो 1/c² हो जाएगा, क्योंकि c बराबर फार्मूला होता है 1/√μ0ε0, म्यू नोट को अगर यहाँ पे भाग में उस साइड जाएगा गुना में ये आ जाएगा गुना में, तो इस साइड आने पे भाग हो जाएगा और दोनों को वर्क करेंगे तो म्यू नोट एप्सिलॉन और यहाँ से वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर चढ़ जाएगा 1/c², ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 35 का। 36 पे चलते हैं, 36 का क्वेश्चन है यदि ई प्लस बी ग्रेटिंग तत्व है, लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, एन स्पेक्ट्रम का क्रम और थीटा समतल विवर्तन ग्रेटिंग में विवर्तन का कोण, तब ग्रेटिंग सूत्र निम्नलिखित द्वारा दिया जाएगा तो ई प्लस बी साइन थीटा बराबर होता है एन लैम्डा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन है कि लेजर बीम है तो अत्यधिक एक वर्णी और तीव्र होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने प्रयोगात्मक रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को साबित किया, तो दोस्तों इसको साबित किया था विद्युत चुंबकीय तरंगों को हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने, हर्ट्ज मतलब हर्ज ने किया था 1888 ईस्वी में, ये खोज बहुत पहले हो चुका था, कन्फर्म कर दिया था 1888 ईस्वी के समथिंग में।
और इससे पहले भी जेसी बोस भी इसको इसके बारे में बताया था 25 मिलीमीटर का है, ये सब पहले भी बताया गया था लेकिन कंफर्म कर दिया था हर्ज ने यहाँ पे। अब चलते हैं ऑप्शन डी हो गया 39 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है, तो माइक्रोवेव हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय तरंगों में संचरण की दिशा होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी, ये आप सब 12th में भी समझे होंगे। यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर की इकाई क्या है इससे भी क्वेश्चन रहता है, इसके बारे में समझ जाइए। पॉइंटिंग वेक्टर का अगर इकाई या मात्रक पूछते हैं तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए डब्लू प्रति मीटर स्क्वायर है एम स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला भी होता है पॉइंटिंग वेक्टर, मतलब वेक्टर पी बराबर होता है फॉर्मूला वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर एच होता है, तो ये भी क्वेश्चन सब रहता है, ऑप्शन 41 का ए हो जाएगा। अब चलते हैं 42 नंबर पे, 42 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है पॉइंटिंग वेक्टर निरूपित किया जाता है, तो वेक्टर पी बराबर फॉर्मूला हो जाता है वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर एच, ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। यहाँ पे 43 नंबर का क्वेश्चन है कि चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है, मतलब सी का मान पूछ रहे हैं, तो सी बराबर क्या हो जाता है 1/√1μ0ε0। यहाँ पे ये जो है 1 को रूट में भी डाल सकते हैं, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 43 का। 44 नंबर पॉइंटिंग वेक्टर सदिश देता है, तो यहाँ पे शक्ति प्रवाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन है कि चल कुंडली प्रक्षेप गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित आवेश समानुपाती होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सी समानुपाती के थीटा, मतलब के यहाँ कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो बच जाएगा थीटा 45 का। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि अवमंदन आवश्यक है, तो ये प्रक्षेप गैल्वेनोमीटर में भी होता है, अनावर्ती गैल्वेनोमीटर में भी होता है, मतलब इसका ऑप्शन बी भी हो जाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर 46 का डी होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा 46 का। 47 नंबर क्वेश्चन है कि थॉमसन गुणांक क्या है, तो न ही धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक हो सकता है थॉमसन गुणांक, 47 का सी नंबर। 48 है कि ताप युग्म के उदासीन ताप पर विद्युत वाहक बल होता है महत्तम होता है, ऑप्शन नंबर ए। 49 है कि ऊष्मा गति का दूसरा नियम लागू होता है तो केवल थॉमसन प्रभाव पे, ऑप्शन नंबर 49 का बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 50 क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है कि शीशा के साथ धातु के ताप विद्युत आरेख होते हैं, तो परवलय हो जाएगा यहाँ पे पराबोला, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा परफेक्ट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन है कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में आवेश सुगरिता समान होती है, तो धारा सुगरिता का T/2π गुना होता है, ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी परिपथ में परिरक्त टाइल प्रतिरोध R और सेल का विद्युत वाहक बल ई श्रेणीक्रम में जुड़ा जाता है, धारा का महत्तम मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे परफेक्ट आंसर का बात करेंगे दोस्तों। देखिए फॉर्मूला जब प्रूव किए थे तो यहाँ पे इसका E/R आ जाता है, लेकिन इसका परफेक्ट आंसर का बात करेंगे डी नंबर होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, EL/R से दिया जाएगा। 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा डी हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन का बात करेंगे RLC परिपथ की अनुनादी आवृत्ति होती है, तो इसका परफेक्ट आंसर 1/√LC होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन बी नंबर नहीं होगा। यहाँ पे बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन का, CR परिपथ में अवधि का नियतांक होता है, तो CR ही होगा, ऑप्शन ए। 55 है कि अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ का आवर्त काल होता है, आवर्त काल जब पूछेगा तब होता है 1/√LC होगा, ऑप्शन डी। 56 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर अनुनादी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में क्या होगा, तो वोल्टेज महत्तम होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 56 का परफेक्ट आंसर। 57 है कि अनुनाद की स्थिति में किसी परिपथ में धारा क्या होता है, तो दिए गए वोल्टेज की कला में होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति और शक्ति गुणांक के बीच संबंध क्या होता है, तो वास्तविक शक्ति बराबर आभासी शक्ति गुणे शक्ति गुणांक होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि बहुत छोटे संधारित्र को मापने के लिए सबसे उपयुक्त सेतु है, तो शियरिंग ब्रिज होगा, यहाँ पे एंडरसन ब्रिज नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 59 का सी। चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे, 60 क्वेश्चन है कि यदि धारा और वोल्टेज के बीच कला कोण थीटा हो तो शक्ति गुणांक होगा, तो टेन थीटा होगा इसका परफेक्ट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है कि किसी परिपथ का शक्ति गुणांक शून्य है, तो यदि परिपथ में नहीं हो प्रतिरोध नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा इसका, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, नहीं ए नंबर होगा, यहाँ पे सी नंबर होगा, ये 12th में भी क्वेश्चन था।
अब चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। वाटहीन धारा है तो काल्पनिक धारा है वाटहीन धारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 का 63 नंबर क्वेश्चन है, वाटहीन धारा तब होती है जब धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर होता है 90 डिग्री का होता है, तब होता है। ऑप्शन नंबर 63 का भी हो जाएगा। 64 नंबर पे चलते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को ऊंच या न्यून करने में किया जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्बल पी वेक्टर का मात्रक है, आवेश का मात्रक है, छी हो जाएगा। 66 नंबर समीकरण लागू होता है किस पे, केवल परावैद्युत के अंदर, ऑप्शन 66 का बी होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ये फॉर्मूला किस पे आधारित है, तो गॉस नियम पर आधारित है। अब चलते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन 68 नंबर की, सोडियम नाभिक में जो है यहाँ पे सोडियम 11 है, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या 23 है में होता है, तो 12 न्यूट्रॉन होगा क्योंकि एन बराबर फार्मूला होता है ए माइनस जेड होता है, तो एन बराबर हो जाएगा 23 माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा 12, ये न्यूट्रॉन का मान आया एन का 12, इसलिए डी नंबर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो धर्मी क्षय निर्भर करता है, तो यहाँ पे देखो नहीं, ये ताप पर निर्भर करता है, नहीं दाब पर, ये रासायनिक प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 69 का। अब दोस्तों हम फर्स्ट वाला वीडियो आप देख लीजिए, फर्स्ट वाला वीडियो में बताए हैं कि 2021 का भी क्वेश्चन के बारे में सोल्यूशन इस चैनल पे मिल जाएगा, फिजिक्स सब्सिडरी का आप सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको, रंजीत प्लाजा में चैनल पे चेक कर लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन रहेगा और इससे भी रहेगा। इससे बोले हुए थे कि 40% क्वेश्चन यही रहेगा और 20% जो है 2021 वाला से रहेगा, 60% क्वेश्चन आपको दोनों से मिल जाएगा इस चैनल पे। और हम कुछ कुछ जो है बुक का भी बता है, बीएससी पार्ट 2 का आप चेक कीजिएगा चैनल पे, रेखा के गेस्ट पेपर से, उससे भी मिल जाएगा। तो सब मिला के आपको लगभग सारा क्वेश्चन अप्रोक्स में बन जाएगा, 70-72 ठो क्वेश्चन परफेक्ट बन जाएगा अगर मेरा वीडियो देख लेते हैं तो। अब चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे, परमाणु द्रव्यमान इकाई मात्रक है तो द्रव्यमान का, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हम बताते हैं, इसका ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। परमाणु द्रव्यमान जो है किलोग्राम का इकाई है, समझ गया, तो ऑप्शन इसका बात करेंगे तो 70 का डी नंबर हो जाएगा, ये किसी का नहीं होता है क्योंकि केजी ग्राम नहीं है इसलिए। अब 71 का पूछ रहा है कि जीएम काउंटर की दक्षता क्या होगा, तो 100% होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 नंबर का क्वेश्चन है कि सेंटिलेशन काउंटर का उपयोग निम्न में से निम्न के लिए किया जाता है, तो गामा विकिरण के लिए होगा, ऑप्शन बी परफेक्ट है। कौन सी किरणें धनात्मक होती है, तो अल्फा किरणें, ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि अल्फा में प्लस प्लस रहता है इसलिए जो है धनात्मक ये है। चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे, समानता संरक्षित नहीं रहती है तो बीटा 6 में होगा, इसका परफेक्ट आंसर बी होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्टन का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के उपयोग में सही निर्धारण होता है द्रव्यमान संख्या पे, ऑप्शन ए हो जाएगा 75 का परफेक्ट आंसर। और एक चीज के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा जो जो एलएनजे कॉलेज से हैं जो इस वीडियो को देखते हैं। तो अब जो है आप सबका फिजिक्स का जो एग्जाम होगा दोस्तों 9 जनवरी 2023 को होगा, तो फिर मिलते हैं उस एग्जाम में भी, तो करते हैं वीडियो को यहीं से समाप्त।